हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीमियर एस राठौर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये कॉटन बेस है, अभी फ़िलहाल थर्ड स्टेप है जो कौन सा मारना चाहिए। जैसे कॉटन को ये थ्रूफ है, ठीक है, ये हाफ के जी का है यानी 500 ग्राम का, और ये है मोनो लाइफ, और ये है प्रोक्लेव, ठीक है। और ये प्रोक्लिप कितना, शायद 3 पीस डाल रहा हूँ, शायद ये 3 पीस है, और मोनोलाइफ 2 है, ये दो दूसरा वाला प्रोक्लिप, और ये है तीसरा वाला, ये तीसरा वाला प्रोक्लिप है। तो पेस्ट और ये है लाइफ क्राउन, और ये कीड़े वगैरह होते हैं ना उसके लिए डालते हैं ये हाँ। और दूसरा है जो निकाल रहे हैं अंदर से, वो भी सेकेंड वही है, क्योंकि वो हाफ के सॉरी 500 ml का है, दो डाल रहे हैं, और ये 250 ml का है, ये थ्रूफ है जो आधा आधा kg का है, जो दो डाल रहे हैं यानी कि 1 kg वो, और मोनोलाइफ दो डाल रहे हैं यानी कि 2 लीटर मोनोलाइफ, और बाकी चीज़ है सब मिक्स करके यानी कि 5 से 6 एकड़ के ज़मीन पे ये सब कुछ पेस्टिसाइड यूज़ करके स्प्रे कर रहे हैं। यानी कि ज़्यादातर जितना क्वांटिटी का हिसाब से डालोगे उतना ही बेस्ट रहेगा, लेकिन आपका खेती में कैसे हैं अभी फ़िलहाल, खेती में कैसे हैं पेड़, वो ज़रूरी है देखना। क्योंकि यहाँ पे देखो इतने हैं, तो इनको सेकेंड स्टेप तो हो गया है, इस वजह से थर्ड स्टेप में ये सब कुछ मार रहे हैं। अगर आपको इसे छोटा है तो मैं शायद दूसरे वीडियो में बनाया था, तो वो डाल के आप पेस्टिसाइड यूज़ करके आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये अभी फ़िलहाल तो लगने वाले हैं। कॉटन का बीज वगैरह सब कुछ होते हैं, तो अभी फूल लग रहे हैं, और थोड़ा 1-15-10 दिन लेट है, तो अभी ये मार देंगे तो वहाँ तक हफ्ता तो चल ही जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है फूल वगैरह, शायद आपको पता चल जाएगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो कैसे लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके बारे में अपना कोई भी सुझाव या राय है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और दिखाई दे रहा होगा कहीं कहीं फूल वगैरह दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख सकते हैं ये है हमारा खुद का खेती, तो वही बेस पे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और फ्रेंड लोगों से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।